नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा जी के बारे में, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक खास मुकाम हासिल किया है। अपने कप कपाते हाथों से चेकबुक पर दस्तखत करने के बाद जब वो अपने हमसे मुखातिब हुए तो उनके चेहरे पर अजब सा संतोष दिख रहा था। चेक 5 लाख रुपए का था और वह धीरे से फुसफुसाते तो ये हो गए मेरे तरफ से पूरे 40। भगवान मुझे उम्र दे तो तुम सबके इस अनोखे काम को पूरे 50 देकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। अब आप दिल थाम लीजिए, बात 40 और 50 हज़ार की नहीं बल्कि 40 और 50 लाख की हो रही है और करने वाले हैं हमारे भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा, जो अपनी 76 साल की उम्र से मैं भी अपनी जानी मानी साइड विस्पर इन दी कॉरिडोर का काम करते हुए भोपाल के हम पत्रकारों की संस्था सोसाइटी ऑफ जर्नलिस्ट हेल्थ केयर को हम हर साल बिना नागा 5 लाख रुपए चेक में देते हैं, जिससे ये संस्था पूरे साल अपने पत्रकार साथियों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर तत्काल मदद करती है। ये 8वां साल था जब हम जनवरी की शाम डॉक्टर साहब के निमंत्रण पर उनके घर के लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे और उनसे चेक ले रहे थे। साथ ही दे रहे थे कि इस बुजुर्ग की जो कह रहा था कि आप संस्था के लोग किसी पत्रकार की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना, आप सब बहुत अच्छा काम लंबे समय से कर रहे हो। डॉक्टर साहब खांटी पत्रकार है जिन्होंने उज्जैन से भोपाल आकर विभिन्न अखबारों में काम करते हुए पिछले 60 सालों में जो ऊंचाई पाई है वो भोपाल के सारे अखबार मालिकों और संपादकों से भी ज़्यादा है। बेहद विनम्र और सौम्य डॉक्टर साहब अब सहारे से चलते हैं, मगर उनके दिए रुपए पूरे साल ना जाने कितने पत्रकार साथियों के परिवार के आड़े वक्त पर उनका सहारा बनते हैं। इसका ब्यौरा यहाँ देने लग जाऊँ तो जगह कम पड़ जाएगी। जिस जमाने में लोग छोटा सा काम कर फेसबुक पर डालने को बेताब रहते हैं, इस दौर में डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताना और उसके प्रचार से दूर रहते हैं। मुझे मालूम है कि ये लिखना उनको पसंद नहीं आएगा और वो अपने खास अंदाज में ये जरूर कहेंगे, अरे भाई क्या लिख दिया। मगर ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब से हम सब भी प्रेरणा लें और लाख नहीं तो कुछ राशि हम भी अपनी तरफ से इस संस्था को दें, अपनी सालाना सहयोग राशि के अलावा भी दें। तब कहीं जाकर वो उद्देश्य पूरा होगा जिसका सपना डॉक्टर मेहरोत्रा देख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को 5,000 रुपये का चेक भेज रहा हूँ। बात करते हैं परिवार में बुजुर्गों की स्थिति को लेकर। बदलते परिवेश में एकल परिवार बुजुर्गों को घर की दहलीज से दूर कर रहे हैं। बच्चों को दादी नानी की कहानी की बजाय पबजी अच्छी लगने लगा है। बुजुर्ग अपने बच्चों से बातों को तरस गए हैं, वो घर के किसी कोने में अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इनकी मानसिक आर्थिक सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। महंगाई के आगे पेंशन कम होती जा रही है। आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को शामिल कर उनके स्वास्थ्य देखभाल के साथ बुजुर्गों के लिए अलग से योजनाएं लाने की सख्त जरूरत है। हमारे देश में बुजुर्ग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनके लिए उपलब्ध संसाधन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक तरफ रखने के बजाय उनकी शारीरिक और मानसिक देखभाल करने के लिए समुदायों के जीवन में एकीकृत किया जाना चाहिए, जहां वह सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने में पर्याप्त योगदान दे सके। बुजुर्गों की समस्याओं को समाधान में बदलने का प्रयास करना बेहद जरूरी है। इस समय में देश में बुजुर्ग जनसंख्या और स्वास्थ्य चुनौतियां उभर कर सामने आई है। भारत में उम्र दराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जाँच का देश में सबसे बड़ा व्यापक राष्ट्रीय सर्वे किया गया है। ये भारत का पहला तथा विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है जो सामाजिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर वृद्ध आबादी के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लॉन्गिट्यूडिनल डेटाबेस प्रदान करता है। इसमें देश तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व सैंपल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य व्यापक प्रासंगिक फोकस लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन डेटा संग्रह गुणवत्ता नियंत्रण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है। इससे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तालमेल होगा। देश में जनसांख्यिकी
जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रहा है, जिसमें वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। विकसित होते भारत में भविष्य में जनसंख्या स्वस्थ होगी और अधिक समय तक जीवित रहेगी। अनुसंधान इंगित करता है कि भारत की 12% आबादी 2030 तक 60 वर्ष की आयु और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि के अनुसार होगी। ये 2050 तक बढ़कर 19.4% होने की उम्मीद है। 60+ आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं होने जा रही हैं। लंबी उम्र बढ़ने से 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.1 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6 लाख लोगों के साथ भारत में 2050 तक सबसे अधिक संख्या के लोग होंगे। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.38 करोड़ से बढ़कर 2026 में 17.3 करोड़ और 2050 में 30 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में उनके कल्याण के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवारों के नाभिकीयकरण, उनके दिन प्रतिदिन के रखरखाव और उम्र से संबंधित कठिनाइयों के लिए दूसरों पर निर्भरता बुजुर्ग लोगों के जीवन के लिए एक कठिन चुनौती है। अधिक आर्थिक निर्भरता के कारण बुजुर्ग महिलाओं के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 70% बुजुर्ग रहते हैं, आर्थिक कारणों और चिकित्सा सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण गंभीर स्थिति की ओर जाता है। विशेष रूप से 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5.1 करोड़ बुजुर्ग आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के कारण बुजुर्ग लोगों की स्थिति दयनीय है। भारत के वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत हाल के वर्षों में बढ़ती दर से बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 6% आबादी 65 वर्ष और उससे अधिक की थी। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हालांकि वांछनीय है, लेकिन इससे आधुनिक दुनिया के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बढ़ती आबादी की समस्या आज कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। पेंशन और स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रावधान बजट में कमी कर रहे हैं। 100 मिलियन से अधिक बुजुर्गों के घर और अगले 3 दशकों में संख्या में 3 गुना वृद्धि की उम्मीद के साथ भारत के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा, ताकि हर घर के बुजुर्ग को आशीर्वाद के रूप में देखा जाए और बोझ ना समझा जाए। बात करते हैं दुनिया की ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। दुनिया के सबसे पहले धनी व्यक्ति एलन मस्क और दूसरे नंबर पर मौजूद जेफ बेजोस दोनों के बीच एक जबरदस्त साम्यता है। वह ये कि दोनों ने कुछ ही बरस पहले महज एक छोटे से किराए के कमरे और एक कंप्यूटर से अपना बिजनेस शुरू किया था और इतने ही कम समय में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होने का रुतबा हासिल किया था। एक और साम्यता यह भी है कि दोनों ने नई तकनीक यानी इनोवेशन को बिजनेस से जोड़कर ये चमत्कार किया है। लेकिन दोनों में से मस्क की चर्चा इन दिनों इसलिए ज़्यादा है कि मस्क ने धरती पर जबरदस्त स्पीड से यात्रा करने के लिए हाइपरलूप टेक्निक, पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक कार, अंतरिक्ष में जाकर वापस आने के लिए बार बार यूज हो सकने वाले स्पेस शटल से स्पेस ट्रैवल और धरती के बाहर अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने जैसे क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। वह अपने लक्ष्यों से दुनिया बदल देने के जुनून में इस कदर डूबे हुए हैं कि निर्धन युवा से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के छोटे से सफर में वह कई कई बार ना सिर्फ कंगाल हो गए बल्कि करोड़ों अरबों डॉलर के कर्ज में डूब गए थे। लेकिन मैं पहली बार जब उनसे इस कंपनी बनाकर उसे जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी तो उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने अपनी सारी कमाई तकनीक को लेकर अपने जुनून में खर्च करनी शुरू कर दी थी। 4 बार स्पेस शटल की उड़ान फेल हो जाने के बाद जब कर्जों में डूबकर वे 5वीं उड़ान की तैयारी कर रहे थे तो एक टीवी इंटरव्यू में मस्क से पत्रकार ने पूछा कि 5वीं उड़ान के फेल होने के बाद तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो मस्क ने कहा 6वीं उड़ान की कोशिश। पत्रकार ने फिर पूछा ये कैसे करेंगे? तो मस्क ने कहा पता नहीं, लेकिन ये कोशिश तभी बंद करूंगा जब मर जाऊंगा, जब तक जिंदा हूँ हार नहीं मानूंगा। सभार डॉक्टर सत्यवान सौरभ, भड़ास फॉर मीडिया, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।